Yoga, let me take you to an incredible journey. A journey through yoga's origin and its importance. आज के बाद ग्लोबल चार्ट पे लोग किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते ही हैं, फिर चाहे वो जिम जाके वेट्स उठाना हो, रनिंग करना हो या फिर किसी भी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना हो। बेसिकली हर वो एक्टिविटी जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एक लेबर भी सुबह से शाम काम कर करके फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है, पर क्या हम लोग मेंटली उतने स्ट्रांग हैं जितना हमने खुद को फिजिकली स्ट्रांग कर लिया है? या फिर हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हम मेंटली स्ट्रांग हो सकें या फिर हम स्पिरिचुअली एक्टिव हो सकें? आजकल जिम जाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है, बट यू विल शॉक टू नो कि इस दुनिया में सिर्फ 32% लोग ही ऐसे हैं जो जिम जाकर वर्कआउट कर रहे हैं। जो चीज़ इतने ज़्यादा ट्रेंड पर है वो भी सिर्फ और सिर्फ 30% से ही इस दुनिया में हो रही है। तो ज़रा सोचिए, ऐसे कितने लोग होंगे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे जिससे वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें? बहुत कम, राइट? फिजिकली तो हम अपने आप को स्ट्रांग कर ही लेते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर, बट क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम खुद को मेंटली या स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लें कि हम पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टेबल बन जाएं? द आंसर इज यस, एंड देयर कम्स द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइज, योगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग योग को समझने की कोशिश करेंगे। योग क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, हमारी बॉडी, माइंड और सोल के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, और लास्ट में हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि योग आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्वेंटी वन सेंचुरी की बात करें तो आज के टाइम पर मेजर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या है? ऑब्वियसली जिम। बट जिम जाकर फिट होने के भी कुछ रूल्स हैं जो कि लोग फॉलो भी करते हैं, जैसे कि सप्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट डाइट, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स भी यूज कर लेते हैं, जिससे वो फिट हो या ना हो बट वो अंदर से खोखले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट ये तो सिर्फ अभी 100 साल पहले ही शुरू हुआ है। अब इतिहास के पन्ने पलटकर वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक्चुअली कुछ ज़्यादा पीछे। आज से 5 से 6 हज़ार साल पहले देयर वर नो जिम, बट फिर भी उस वक्त के लोग आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते थे, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर ओनली वन मोड ऑफ एक्सरसाइज एंड दैट इज योगा, बिकॉज योगा अलाउज यू टू बाइंड योरसेल्फ विद योर सोल एंड द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। योग सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बल्कि संस्कृत में योग का मतलब होता है जोड़, एक ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखे। मॉडर्न डे साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि योग करने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और इसी वजह से बहुत से डॉक्टर्स अपने पेशेंट को योग करने की सलाह भी देते हैं, बिकॉज इट अलाउज यू टू एक्सपीरियंस डीप स्टेट ऑफ फ्रीडम एंड पीस। योग विद्या के अकॉर्डिंग लॉर्ड शिव को सबसे पहले योगी कहा गया है, उन्हीं से योग की शुरुआत हुई और इसीलिए लॉर्ड शिव को आदि योगी भी कहा गया है। हजारों साल पहले, लगभग आज से 5 से 6 हज़ार साल पहले, सप्त ऋषियों ने पूरी दुनिया में योग को फैलाया। देयर वर सो मेनी टेक्स्ट रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ योगा, सच एज योगा सूत्र ऑफ पतंजलि 400 CE, बट योग के बारे में सबसे पहले ऋग्वेदास में लिखा गया था अराउंड 2700 BC में, और उसके बाद से ही ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाने लगी, हालांकि इंडिया में इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। 18th century में स्वामी विवेकानंद ने योग को US जैसे बड़ी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद से ही उन देशों में इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में जो चीज़ हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वो है टेक्नोलॉजी। सुबह से शाम कंप्यूटर, फोन्स और गैजेट्स में लगे रहकर काम करने से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थका हुआ और एक अनहेल्दी और एक अनपीसफुल स्टेट पर पहुंच जाता है, जिस वजह से एक ह्यूमन बॉडी को सेवरल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इंसान की लाइफ जितनी ज़्यादा आसान करी है उतनी ही कमज़ोर भी करी है। एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, योगा अलाउज यू टू एक्सपीरियंस दिस स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एंड पीसफुल माइंड। योगा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन, प्राणायाम एंड आसन्स, एंड बिकॉज ऑल ऑफ दिस योगा हैव सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स, सम ऑफ देम आर फिजिकल हेल्थ। योगा करने से आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। योग करने से आपकी बोन, जॉइंट हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। योगा कैन ऑल्सो हैव विथ पेन मैनेजमेंट, रिड्यूसिस इन्फ्लेमेशन, इम्प्रूव योर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। मेडिटेशन की वजह से आपकी फोकसिंग पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस योगा यू ओनली कंसंट्रेट ऑन द इंटीरियर एनर्जी ऑफ योर बॉडी विच कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर मेंटल स्ट्रेस। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि सोने से पहले अगर आप योग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और आपको स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। योग आपके इन्फ्लेमेशन
और स्ट्रेस को ख़त्म करने में हेल्प करता है, जो आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म पर गलत इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी वजह से जब आप योग करते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। योग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो। तो अगर आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ जीते हैं जिसमें आपके ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस केस में योगा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इन माई ओपिनियन, अगर आप लोग जिम जाते हैं या जिम नहीं भी जाते हैं तो भी आपको सुबह 30 मिनट योगा ज़रूर करनी चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम और योगिक आसन से आपकी बॉडी एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और हेल्दी स्टेट में पहुंच जाती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट करते भी हैं तो वर्कआउट के बाद 30 मिनट योगा विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पिरिचुअल हेल्थ, बिकॉज अगर आपकी स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी किसी काम की नहीं है। योग हज़ारों सालों से प्रैक्टिस की जा रही है, तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एज बिफोर ब्यूटी को कंसिडर करते हैं तो योग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है देन प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ऐसे ही बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बट टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।